चंदौली में कोरोना मामले में तेजी को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर है। सीएमओ ने बताया कि कोविड के इलाज के लिए अस्पतालों में पर्याप्त संसाधन है। लोगों से कोविड संबंधित प्रोटोकॉल को पालन करने की अपील की जा रही है। साथ ही रियलिटी टेस्ट मॉक ड्रिल किया गया। देखिए हमारे संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट। जैसा कि शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं, हम लोगों को अपने जनपद में जितने भी कोविड हॉस्पिटल हैं, L1 और L2 हॉस्पिटल, वहाँ पर हम लोगों को आज ये निर्देश मिले हैं कि मॉक ड्रिल करा के ये देख लिया जाए कि प्रत्येक अस्पताल में जो भी कोविड के पेशेंट हैं होंगे उनके लिए समुचित व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए और बिल्कुल रेडी हालत में होनी चाहिए, ताकि अगर किसी स्थिति में अगर कोई पेशेंट को अगर मरीज को भर्ती करने की ज़रूरत पड़े तो उसमें विलंब की स्थिति बिल्कुल ना हो। इसलिए आज जितने भी हमारे कोविड हॉस्पिटल हैं जनपद में, उन सभी जगहों पे मॉक ड्रिल का हम लोग आयोजन कर रहे हैं और सभी अस्पतालों के लिए अलग अलग नोडल अधिकारी नामित किया गया मेरे स्तर से, और शासन स्तर से भी जनपद के लिए एक नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। नोडल अधिकारी महोदय आज जनपद में आ भी गए हैं और वो अस्पतालों का निरीक्षण भी कर रहे हैं और मॉक ड्रिल की जो गुणवत्ता है उसको देख भी रहे हैं। चंदौली कितना तैयार है कोविड से लड़ने के लिए? चंदौली हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, हम लोग अलर्ट हैं, सजग हैं, सतर्क हैं और कहीं से किसी भी तरह से कोई विलंब की स्थिति मरीजों के लिए हम लोग नहीं होने देंगे। अगर कोई वैसी स्थिति आती है जब पेशेंट को अगर एडमिट करने की ज़रूरत पड़े या उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े या वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़े, तो हम लोग हर एक तरह से दवाएँ, हमारे मानव संसाधन, हमारे उपकरण, हमारे ऑक्सीजन प्लांट सब कुछ बिल्कुल रेडी हैं और कहीं से भी कोई दिक्कत वाली बात यहाँ जनपद चंदौली में नहीं है। जिस तरह से मामलों में तेजी आ रही है उसको देखते हुए क्या गाइडलाइन है आगे किस तरह? गाइडलाइन ये है कि सबसे पहले तो जरूरी होगा कि हम जो प्रयास कर रहे हैं और हर एक स्तर पे प्रयास कर रहे हैं, जनपद स्तर पे, तहसील स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, ग्राम स्तर पे, कि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता हम लोग पैदा करें कि जो आम जनता जो है वो मास्क पहने, 2 गज की दूरी बना के रखें, हाथों को बार बार धोते रहें और कोविड से अलर्ट रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। सर कितने वेंटिलेटर जिले में क्रियाशील हैं? अभी अलग अलग हमारे जो कोविड हॉस्पिटल्स में वो अलग अलग संख्या है और जो भी हमारे वेंटिलेटर्स उपलब्ध हैं जितनी भी संख्या में हैं वो सभी बिल्कुल क्रियाशील हैं और कोई भी उपकरण हमारे ख़राब नहीं है, सभी वो क्रियाशील कर दिया गया है। मतदान के दिन जब तक स्ट्रांग रूम मतदान पेटियाँ आ नहीं जाती है अपनी स्ट्रांग रूम में, तब तक आपकी जिम्मेदारी जो है वो खत्म नहीं होती। फिलहाल आप लोगों का काम, जैसा कि अभी आप लोगों को टास्क दिया गया था कि बूथ को विजिट करके उसमें जो कमियां हैं, खामियां हैं, वो हम लोगों को बता दें ताकि हम लोग समय से उन कमियों को पूरा करें। आगे भी आप लोगों को अलग अलग प्रकार के टास्क हम लोग बताते रहेंगे, तो टास्क को आप लोग भली भांति निभाइए। मेन चीज है कि विजिट करना जरूरी है, ऐसा नहीं कि किसी, मान लीजिए कोई सीनियर इंजीनियर है, उन्होंने अपने किसी ऑफिस के व्यक्ति को भेज दिया कि जाओ देख आओ, दूर नहीं क्या हो रहा है, ऐसा ना करें। जिसकी ड्यूटी लगी है वो व्यक्तिगत तौर पर खुद भ्रमण करके देख ले, जो भी चीज़ बताई जाती है खुद उसको अपना देखे, खुद साइन करने से पहले उसको पढ़ ले और उसके बाद ही रिपोर्ट सकते। इसके अलावा जो मीटिंग जब अभी इलेक्शन की प्रक्रिया चल रही है, इस दौरान जो सबसे मेन 2-4 दिन होते हैं वो होता है कि जब आपकी ट्रेनिंग होगी उस दिन आप लोग मौजूद रहिएगा, जब कार्मिकों की ट्रेनिंग होगी उस दिन भी काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जाएगी। इसके अलावा जो नगर पालिका आप लोगों को आवंटित होगी वहाँ के RO या SDM भी आपको भेज करेंगे और CO भी रहेंगे साथ में, तो उनके ओवरऑल सुपरविजन में आपको काम करना है। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि सबके मोबाइल नंबर पहले तो आपके पास